हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे यार, क्योंकि अब टाइम नहीं है कुछ भी। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या लेते हैं। हाँ अभी चले, बने रहिए, ऑटो में बैठे हुए हैं वो दिन भर, तो चलिए चलते हैं। ये मंगलसूत्र है ना सर? ये वाला दिखाइएगा, ये अच्छा लुक दे रहा है ना, गोल्ड का लुक दे रहा है ये, देखें कंगन टाइप है, तो जींस वगैरह पे पहन सकते हैं, चूड़ी के लिए तो अलग चीज है। का मार्केट सज चुका है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। कल रात को मैंने मार्केट से आने के बाद और कुछ भी छूट सूट नहीं किया था, और आज से बिहार, यूपी, झारखंड, इन शॉर्ट पूरी दुनिया का ही समझ लीजिए, आजकल तो पूरी दुनिया में ही छठ पूजा जो है वो होने लगा है। तो आज से छठ पूजा शुरू हो चुका है, आज नहा खा है, तो आज से बिहार, यूपी और झारखंड का तो बिगेस्ट फेस्टिवल बोल ही सकते हैं, तो वो शुरू हो चुका है। बट चूँकि इसी साल पापा एक्सपायर किए थे, तो एक साल तक हम लोग के घर में, मतलब जब तक शादी अगर नहीं है साल भर के अंदर, तो पूजा पाठ में हम लोग, मतलब अर्घ मम्मी नहीं देगी, ऐसे खड़ा हो सिर्फ फास्टिंग रहेगी। तो हम लोग के बगल में जो है उनको पैसा सूप वगैरह दे दिया जाएगा, वो मम्मी की तरफ से अर्घ देंगी, तो वो भी मेरा फ्रेंड है, तो उसकी मम्मी करती हैं, तो उन्हीं को दिया गया है। तो चूँकि हम लोग कोइंसिडेंटली साथ में ही रह रहे हैं, मम्मी ने रूम शिफ्ट किया था इस साल, तो हम लोग साथ में ही रह रहे हैं, तो इसलिए खुशी है ही, क्योंकि उनके घर पे अच्छे से छठ पूजा होगा। छठ पूजा ऐसा फेस्टिवल है कि आप बस उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, आपको खुशी हो ही जाती है। तो हाँ दुख तो है, इतनी बड़ी कमी है जो पूरा तो नहीं हो सकती, बट ठीक है, फेस्टिवल है, पूजा है। तो अभी मैं छत पे हूँ, और मौसम तो काफ़ी सुहाना है, धूप आ रही है, जा रही है, और हवा भी है। और मैं छत पे क्यों आई हूँ दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये गेहूँ धोया हुआ है और सूखने के लिए डाला गया है, तो ताकि यहाँ पे कौवा चिड़िया कुछ ना आए और जूठा ना करे, इसलिए मैं ड्यूटी दे रही हूँ। अभी घर का काम हो चुका था, तो चूँकि उन्होंने बोला कि गेहूँ धोया हुआ है, तो थोड़ा आप थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, फिर मेरे घर से जो फ्री होगा वो आके देख लेगा। मैंने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पूजा का काम है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगता है। तो इस बार हम लोग अगर ठेकुआ वगैरह नहीं बनेगा, तो ठीक है इस बार ठेकुआ नहीं बनेगा पूजा में, ऐसे बस फूड से खरीद के दिया जाएगा चढ़ाने के लिए। तो बस मैं वही गेहूँ जो है वो जूठा ना करे कोई पक्षी आके, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि छठ पूजा बहुत बड़ा पूजा होता है और बहुत नियम कानून से इस पूजा को किया जाता है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो इसका ध्यान बहुत रखा जाता है, साफ़ सुथरा और बहुत नियम से, कोई नियम ना टूटे। तो इसलिए मैं अभी ये गेहूँ की रखवाली करने के लिए ऐसा धड़वान यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जरा शूट करते हैं और दिखाते हैं। तो बस छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, जगह जगह गाने बज रहे हैं, वो पाइप्स जो है वो फुल्ली आ चुकी है, पूरा रोड पे लाइट लग चुका है, तो मज़ा आ रहा है। तो होपफुली आप लोगों के घर में भी अगर छठ पूजा हो रहा होगा, तो आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो बस बने रहिए इस छठ पूजा की सीरीज़ में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस साल की छठ पूजा मैं इन्जॉय कर रही हूँ, मना रही हूँ। तो अगर देखना है छठ पूजा की सीरीज़, तो बने रहिए और देखिए। और आज से नहागा शुरू हो चुका है, तो बस मैं आगे आगे दिखाती हूँ, और बने रहिए इस ब्लॉग में।
और अभी ये रहा नहा खा का प्रसाद, चना दाल और अड़वा चावल और कद्दू की सब्जी जो आज नहा खा के दिन खाया जाता है। और उसी दिन मैं शाम को गई थी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने और मुझे ये वाला टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने इसे बाय किया और मैं वापस चली क्योंकि उसे टाइम नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज छठ पूजा का सेकंड डे, आज एक खरना था। आप सबको खरना की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी मम्मी तो खरना नहीं करती है, तो मेरी मम्मी नहा खाए आज करेगी, पर जो मेरा फ्रेंड है उसकी मम्मी आज खरना करेगी। तो अगर मुझे उस वक्त मैं घर पे रही या फिर कुछ नहीं कर रही होंगी तो मैं जरूर थोड़ा बहुत शूट करूँगी एक खरना का पूजा कैसे होता है। तो फिर बने रहिए, देखते हैं क्या होता है आजकल। और यहाँ मेरा बेटा चिल्ला चिल्ली कर रहा है और खेल रहा है, बने रहिए, मैं दिखाऊँगी आपको। भैया नहीं क्या बजा कर जब से फेंसिंग लगी है ना सोसाइटी में,